सो रिकंस्ट्रक्शन इन कैंसर सर्जरी के तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्म, फंक्शन और एस्थेटिक्स। मतलब जैसे कोई कुम्हार किसी घड़े से या मिट्टी से एक नया बर्तन बना सकते हैं या पॉट बना सकते हैं, उसी तरह से हम रिकंस्ट्रक्शन के मेथड यूज़ करके सबसे पहले कोई डिफेक्ट है उसके लिए हम पहले उसकी फॉर्म बनाते हैं, फिर हम इंश्योर करते हैं कि जिस काम के लिए वो ऑर्गन या स्ट्रक्चर बना है उसका फंक्शन रिस्टोर हो, और फाइनली हम ये भी इंश्योर करते हैं कि उसकी सुंदरता या सामान्य दिखने की शक्ति बरकरार रहे। सो फॉर्म, फंक्शन एंड एस्थेटिक्स, ये तीनों चीज़ों को प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के आजकल की मॉडर्न टेक्निक से हम बहुत अच्छी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी हो गई है कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की सहायता से बिल्कुल सामान्य दिखने वाले चेहरा बन सकता है। जैसे माने कि किसी के कैंसर की वजह से उसके जबड़े को निकाला जाना पड़ रहा है, इसका साथ साथ उसके दांत निकल जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे चल के ज़िंदगी में खा नहीं सकता, लेकिन आजकल की टेक्निक से जिससे हम कंप्यूटर की सहायता लेते हैं और जो बचा हुआ जबड़ा है उसकी मेजरमेंट्स करके उसके जबड़ा जो निकल गया है उसको वापस बना सकते हैं पैर से हड्डी लेके। ना सिर्फ जबड़ा बना सकते हैं, हम उसी समय ऑपरेशन के दौरान उसमें दांत उठाने का इंतज़ाम भी कर सकते हैं जिसको हम डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं, जो आगे जाके दांत लगाने में सहायता करता है और पेशेंट नॉर्मली खा सकता है बाद में। सिमिलरली कहीं और तरह का कैंसर हो, जैसे पैर से किसी की हड्डी निकालनी पड़ी किसी कैंसर की वजह से, तो पूरी की पूरी अगर हम हड्डी को रिकंस्ट्रक्ट ना करें तो वो लाचार हो जाएगा आदमी, कभी अपने पैर पर चल नहीं पाएगा। अगेन मॉडर्न टेक्निक की सहायता से दूसरे पैर से हड्डी निकाल के उस हड्डी को दोबारा बनाया जा सकता है जिससे वो सामान्य रूप से चल पाएगा। सो मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी की सहायता से ये रिकंस्ट्रक्शन सब संभव है। मेदांता इनफैक्ट पायनियर है इन टेक्निक्स का, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यहाँ अवेलेबल हैं और जो स्किल्स और माइक्रोसर्जिकल की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है वो अनमैच्ड है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे मरीजों की सहायता की है और उनको वापस अपनी ज़िंदगी के पथ पर वापस चलाया है।